अस्सलाम वालेकुम कैसे हाल चाल आपके अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू इट्स मंडे एंड ब्राइट एंड सनी कुछ थोड़ा सा कोल्ड भी है बट ब्राइट एंड सनी ऑल टुगेदर सो वी लव इट लाहौर के अंदर मौसम जो है वो थोड़ा सा सर्द हुआ है कराची के अंदर लोग कह रहे हैं कि मौसम सर्द हुआ है मुझे पता नहीं है लेकिन हो सकता है कराची के अंदर मौसम सर्द हुआ हो लेकिन सबसे पहले आ जिस वॉन्ट से हेलो टू माई मदर बिकॉज अम्मा कॉल्ड एंड एंड अम्मा वॉज रियली अपसेट सो आई लव यू एंड आ मूखे एंड एंड थैंक यू फॉर बींग माई मदर ऑनस्टली थैंक यू थैंक यू मैं अपनी अपनी अम्मी के लिए खास तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ दट आई लव यू अम्मा सो हैविंग दैट सेड सो आई होप की अम्मा टी वी देख रही हों और अम्मा की तबियत बिल्कुल ठीक हो सून सोन सोन इनशा आई शैल बी सींग यू सोन वेरी वेरी सोन वेरी वेरी सोन एंड आई लव यू अगैन और आई जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू तो आइए हम आज uh, वेल well, आज का दिन बहुत अच्छा है और आज का दिन देखिए जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है तो आज का दिन वैसे वाकई बहुत अच्छा है आज मैं आपकी मुलाकात सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं एक ऐसी बच्ची से करवाने जा रहा हूं जिसने एक गोल्ड मेडल लिया है और एक ब्रॉन्स मेडल लिया है साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के अंदर नाम है उनका आरजू अजीज कोयटा से इस वक्त वो लाइव है तो लेट्स टॉक टू हर टूअर असलाकम कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं ठाक हैं जी मैं बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं? आई एम ओके आई एम ओके क्या उम्र है आपकी आरजू मेरी 17. 17, तो सत्रह साल में आपने ये सब कैसे कर लिया साउथ एशियन चैंपियनशिप में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया फिर ब्रॉन्स मेडल हासिल किया आपकी कैटेगरी माइनस के जी मेरी 6, -66 kg था ओके तो प्लीज डू टेल ये हुआ कैसे कब से शौक हुआ आपको ये मुझे बचपन में स्पोर्ट्स का शौक था फिर मैंने कराचे में मैं कराटे में चार साल से हूँ तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था तो इसीलिए मैंने कराटे चूज किया तो कराटे में इंटरेस्ट मतलब कैसे आया कैसे घर में भाई करते थे वालिद करते थे कौन करता था या आपको बस खुद ही शौक हुआ या बहुत ज्यादा ब्रूसली की फिल्में देखी थी या जैकी चैन की फिल्में देखी थी नहीं घर में तो कोई भी नहीं करता जैसे हर किसी को किसी स्पोर्ट्स में शौक है तो मुझे कराटे शौक था तो इसीलिए आई चूज कराटे तो तो यू चोज कराटे कराटे आपने आपने डिसाइड किया कि मैं आपने कराटे के अंदर ही जाना है तो जी, शुरू शुरू, में लगा था आपको? जी, शुरू में थोड़ा मुश्किल था अम्मा ने अबू ने सब, सब ने साथ दिया हमेशा मुझे सपोर्ट किया इसमें ने सपोर्ट किया जी तो आप नेपाल गई थी इसके लिए जी मैं इसके लिए नेपाल गई थी तो नेपाल कितने दिन रही आप चार दिन रहे हम चार दिन रहे तो कैसा लगा नेपाल और पाकिस्तान कैसा डिफरेंट लगा आपको कैसा क्या, क्या क्या फील होता है इतना डिफरेंट नहीं है बस यहाँ पे मुस्लिम कंट्री और वहाँ पे नहीं है और बाकी तो इतना खास कंट्री नहीं था वो इतना खास फर्क नहीं है नहीं ज्यादा मतलब नॉन मुस्लिम कंट्री है तो ऑफ कोर्स हमारे लिए तो हाँ, थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। so, जब आप ये एशियन कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गई थी साउथ एशियन तो आपको क्या लगा था कि आप गोल्ड मेडल जीत लेंगी? ये सोच के गई थी ये माइंड बनाया हुआ था कि गोल्ड गोल्ड लेके ही वापस आना है? जी मैंने बिल्कुल मेहनत की थी और मुझे बिल्कुल भरोसा था कि मैं इंशाला जाके गोल्ड मेडल लूंगी अच्छा और और फाइनल, ले 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 ले। और फाइनल में आपने किसको हराया मैंने फाइनल में नेपाल को नॉकआउट किया उनकी बहुत अच्छी टीम आई थी बहुत ज्यादा बहुत टफ था वो इंडिया और नेपाल दोनों बहुत टफ था और फाइनल में मैंने नेपाल को नॉकआउट किया 8-0 मारा 8-0 मारा जी अच्छा और और आपका सेमीफाइनल में किससे मुकाबला हुआ सेमीफाइनल इंडिया के साथ थी और उधर क्या उधर क्या परफॉर्मेंस रही 7-1 आई थिंक 7-1 जी बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी अचीवमेंट है

जी जी अल्हम्दुल्ला, अल्हम्दुल्ला, हम भी बहुत खुश हैं इस बात से लेकिन मेरे ख्याल में तो तो हमारे हाँ जो एसोसिएशन है है वो 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 क्या करती पाकिस्तान के अंदर इसका कुछ कुछ होगा को को किराया नहीं देती, वो आपको स्टे नहीं देती देती आपको स्टे ले लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता नहीं, लेकिन आपकी ये जो टिकट आपने खरीदा था ये आपने अपने खर्चे से खरीदा था या फेडरेशन के खर्चे से खरीदा था? अपने आपके जो इंतजाम थे बाकी सारे वो सब सब हमें government, government ने कोई सपोर्ट नहीं किया हमने लेकिन, किया था लेकिन इसके बावजूद आपने नाम पाकिस्तान का रोशन किया

नहीं ये चैंपियनशिप था चैंपियनशिप थी ना बिकॉज अभी तो साउथ एशियन गेम्स होने हैं जी होना ही है और वो जाहिर है पाकिस्तान उसके अंदर उम्मीदवार है मार्च के अंदर आई थिंक होने हैं लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान इसकी मेज़बानी जो है वो ना करे ऐसा लग रहा है बट एनी वे तो आपका आप आप कहते हैं कि फेडरेशन आपको सपोर्ट करती है जब गेम्स होते हैं तो गेम्स में फेडरेशन लेके भी जाती है लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता और फेडरेशन के हाथ भी टाइड अप है बिकॉज उनके पास फंड नहीं होते कि वो आपको चैंपियनशिप के लिए स्पॉन्सर कर सकें राइट

फिर उसके बाद उन्होंने ऐसी बात करना शुरू की तो आज तस 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 पाकिस्तान में जो अच्छा क्या ये मर्दों के साथ भी ऐसा ही है या सिर्फ खुतिन के साथ है मर्दों के साथ भी है उनको नहीं मिलते ताकि वो जाके इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए सब अपनी खर्चे पे ज्यादा अच्छा में. अच्छा में और आप खुद पढ़ हैं इस वक्त? जी, मैं मैट्रिक कर रही हैं है इशारा किया था कि ब्रेक है, ब्रेक नहीं है तो साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आगे प्लान क्या किया है कराटे के अंदर एक्सेल करेंगी या प्रोफेशनली भी कुछ और करेंगी पढ़ने पढ़ने लिखने के साथ साथ ये पढ़ाई तो लाजमी होती है पढ़ाई भी साथ साथ करनी चाहिए तो पढ़ाई को भी कंटिन्यू करूंगी स्पोर्ट्स को भी बट दोनों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है दोनों को साथ साथ हैंडल करना दोनों को साथ साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल है जी क्योंकि लगती है होती है स्किप होती तो हमें मैनेज करना पड़ता है अच्छा right, right. आप मैं मुझे एक ब्रेक लेना ब्रेक के बाद आपसे यहीं से बात करेंगे ठीक है जी यहीं से कंटिन्यू करेंगे प्लीज टे पॉट अभी अभी रहिएगा एक छोटा सा okay. आपसे मिलते हैं ब्रेक के ऑर राइट right, जी वन सेकैंड एंड आरजू हमारे साथ हैं आरजू कैसी हैं आप ठीक हैं आवाज आ रही है क्लियरली जी आ रही है अच्छा मैं कभी कोयटा नहीं आया मुझे बताइए कोयटा कैसा है कैसा है इलाका है अच्छा। और मौसम काफी खूब यहाँ पे अभी इस वक्त सर्दी है कोयटा में जी इस वक्त बहुत सर्दी, सर्दी है इस वक्त बहुत सर्दी है अच्छा ये आपकी कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं और जो आ रही हैं ये आपने नेपाल के अंदर जो गोल्ड मेडल हासिल किया है और ये तो अच्छा वो वो जिस वक्त आपने ये चैंपियनशिप जीती है जब आपने गोल्ड इसमें मिल गया है तो आपके तासुरात क्या थे क्या फीलिंग्स क्या थीं तब तो, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स है ऑफ कोर्स क्योंकि वो फुल अलग ही फीलिंग होती है जब हम फर्स्ट पोजीशन पे खड़े होते हैं तो क्योंकि वो हमारी मेहनत की रिजल्ट होती है तो सबसे पहले किसको कॉल करके बताया या किसने कॉल किया आपको सबसे पहले तो वहाँ पे हमारे पास सिग्नल नहीं था सिग्नल नहीं सिम कार्ड नहीं था तो किसी ने हमें कॉल मैंने किसी को कॉल नहीं किया जी मतलब घर पे आपने कब बताया फिर आ, उनको उन्हें उन्होंने खुद लाइव देखा था उन्हें ऐसे ही पता चल गया था अच्छा अच्छा उन्हों वो लाइव देख रहे थे स्ट्रीमिंग पे देख रहे थे या पाकिस्तान के अंदर इसको टेलीकास्ट किया जा रहा था वो मुझे नहीं पता अच्छा लेकिन लाइव देख रहे थे वो आपको All right. और पाकिस्तान आपकी वापसी कब हुई है चार दिन हम वहां पे रहे और अभी पता नहीं चार पांच दिन पांच दिन हो रहे आई थिंक पांच दिन हो गए तो कोई आपको एयरपोर्ट पे लेने आया अदर देन घर वाले फेडरेशन की तरफ से कोई लोग आए लेने के लोग इस्तकबाल करने के लिए आए हम तो फैसलाबाद में फैसलाबाद में आए थे ना अच्छा? वहाँ से गए थे हम तो वहाँ पे हमारी टीम के लड़के बस आए थे और फेडरेशन तो हमारे साथ गए थी वहाँ पे फेडरेशन आपके साथ गई थी लेकिन आपके जो टीम के जो दूसरे बाकी अरकान थे वो उन्होंने आपका इस्ते किया लेकिन वैसे आमतौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं आया नहीं नहीं कोई भी नहीं है अच्छा ये 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 बड़ी अजीब सी बात है ये गेट बंद कर दी दरवाजा बंद कर दिए ये बड़ी अजीब सी बात है आई थिंक कि एक इतना नाम रोशन करते हैं हम पाकिस्तान का ये लोग हैं ये बच्चे हैं हैं जाते है, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं लेकिन इसके बावजूद जो प्रॉपर सपोर्ट है वो नहीं मिल पाती है इनको आ, अच्छा कभी आपकी जो ट्रेनिंग है ये पढ़ाई की राह में रुकावट डालती है जी बहुत ज्यादा क्योंकि जब हमारे लगती है ना तो पढ़ाई बहुत स्किप होती है मेरी के एग्जाम भी इसकी कैंप की वजह से के एग्जाम अच्छा तो ये आपने नाइंथ फिर क्या किया आपने दोबारा दिया नाइंथ का एग्जाम नहीं अभी इस बार टेंथ के साथ दोनों एक साथ दूंगी अच्छा दोनों एक साथ देंगे ओ वाह तो ये ये कितना दिन में कितनी ट्रेनिंग करती हैं आप एक दिन में आ, अगर घर में हो डेली तो हम दो घंटे ट्रेनिंग करते या साढ़े साढ़े एक घंटे वन एंड हाफ एंड अगर हम कैंप्स में हो तो सुबह को भी करते और शाम को भी छह घंटे दिन में शायद टोटल छः घंटे की ट्रेनिंग होती है कैंप्स के अंदर अच्छा अगर गेम्स आ रहे हो या चैंपियनशिप आ रही हो तो फिर ये छह घंटे की ट्रेनिंग और ज्यादा हो जाती है नहीं यही यही होती है यही मतलब जब लेके अच्छा अच्छा, अच्छा पाकिस्ता, पाकिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर कराटे के अंदर आपको क्या लगता है कहाँ है क्या हम चाइनीज का जापानीज का या यू नो यागकोंग का वितमीज का बाकी दूसरे दूसरे इलाकों के जो जो बड़े इसमें मेडल टेबल पर जो ज्यादा आते हैं क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं जी बिल्कुल अगर हम ज्यादा हमें हमारे पी एस बी हमें ज्यादा सपोर्ट मिले स्पॉन्सरशिप्स मिले हम जाके खेले हमें एक्सपीरियंस हो तो हम उनको हरा सकते हैं हमें हमें भी टेलेंट है अगर हमें सपोर्ट मिले ताकि हम इनको यूज करें अच्छा अच्छा मुझे ये बताइएगा आपको जो कोचेज मिलते हैं जो आपके ट्रेनिंग करवाते हैं वो कौन होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं गैर मुल्की होते हैं वो पाकिस्तानी है हमारे कोच में आर्मी डिपार्टमेंट से हूँ तो हमारे कोच सर इम्तियाज है पाकिस्तानी आर्मी में है आ, आर्मी डिपार्टमेंट तो, अच्छा से. तो क्या आपको बाहर के कोचेस की ट्रेनिंग भी मिलती है या नहीं मिलती नहीं बस एशियन गेम्स के लिए जो जा जो जा रहे थे उनको बस इनको बस ईरान में ईरान भेज भेजा था उनको ईरान ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के, के लिए भेजा था जी बाकी हमारी तो यही पे ट्रेनिंग होती है कोई बाहर से कोच नहीं नहीं है. अच्छा हुकूमत से कुछ कहना चाहती हैं आप

चलें चलें आरजू बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ रहने का थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आरजू के घर वालों ने आरजू को सपोर्ट किया है इसी तरह से आपने भी सपोर्ट करना है अपने घर में बहन बेटी को आपने बिल्कुल सपोर्ट करना है ऑफ कोर्स अगर बेगम को सब तो वो बेगम खैर कराटे तो नहीं करेंगी लेकिन आई होप कि ना करें वैसे तो कर भी सकती हैं कोई तो मसला नहीं है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद एक सब्जी वाले हमारे साथ मेहमान होंगे लेट्स सी के जी आज सब्जियां कैसे कैसे भाव हैं और आज मैं देने जा रहा हूं पाँच किलो सब्जी थैंक यू वेरी नाइस गुड कैमरा वर्क लव यू टू ऑल राइट देन या नवाज शरीफ साहब कहते हैं आई लव यू टू या आई लव यू टू इस पे अच्छा आई लव यू टू सो कोई ऐसा नहीं कहते कि मैं नून लिख का साथ दे रहा हूँ मीम थी काफी वायरल हुई थी ना आई लव यू टू तो वो वाली मीम है बट उमर मेरे साथ है उमर सामको कैसे हैं आप उमर जो है ना वो सब्जियां बेचते हैं तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बताएं कि जी सब्जियाँ क्या भाव मिलती हैं तो मेरे पास ये कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है तो आइए जरा पूछते हैं हाँ भाई कितने के ये ये दो सौ रुपये किलो है आजकल कल दो सौ रुपए किलो है यार पीछे से गाने लगा दो काम डाउन काम डाउन बिकॉज यू नो अच्छा ही लगेगा थोड़ा सा थोड़ा मूड बन जाएगा हाँ तो ये कैप्सिकम है जी ठीक है तो ये शिमला मिर्च बोलते हैं ना इसको शिमला मिर्च दो सौ रुपए किलो है दो सौ रुपए किलो है अच्छा पता तुम्हारा बिजनेस थोड़ा कम हुआ या ज्यादा हुआ नहीं, थीक है ठीक जा रहा है तुम्हारा ठीक जा रहा है मतलब पाकिस्तान दुनिया में बिजनेस कम हो रहा बट तो उमर का ठीक जा रहा है सब्जियों का ठीक जा रहा है तो ये सस्ती है महंगी है महंगी है महंगी है दो सौ रूपये किलो है जी और ये कितना रोजाना का कितना कितनी जाती है तकरीबन तक बीस किलो जाती है पंद्रह बीस किलो चली जाती है जी अच्छा ये क्या चीज है ये ये छोटी सी एक चीज है ये, इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं चपनी. चपनी? जी। चपनी मुझे नहीं पता क्या होती है घिया चपनी बट घिया चपनी बोलते, है इसको। ही बोलते हैं टीडिया होती, है होती, है? ब... होती है ना गर्मियों में आती है आपने टिंडे के बच्चे देखने तो ये टिंडे के बच्चे थोड़ा सा मेरे साथ काम कर लें क्लोजअप ले लीजिए हाँ ये घिया चपनी का क्लोजअप है ये टिंडिया है जी टिंडियों का क्लोजअप है

एक सौ चालीस रूपए किलो था कह ना एक सौ तुम्हारे थोड़े प्राइसेस है, है चीज़ अच्छी चीज़ है ना से जरा चीज़ 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 भाड़े मिल जाएंगे आपको हाँ। तो सस्ते मिल जाएंगे सौ रुपए किलो मिल जाएंगे आपको तो तुम 40 देते हैं ये आउट ऑफ तो तुम्हारे पास कैसे है सीन से आते हैं ओके जी तो इसको कद्दू कहते हैं हम जी कद्दू घिया कद्दू जी जी घिया कद्दू है जी ये देख लीजिएगा इसका क्लोजअप लिया घिया कद्दू का ले लो क्लोजअप ले लो हाँ क्लोजर है घिया कद्दू देर यू गो अच्छा लग अच्छे रहे हैं वैसे वाकई कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं कालसिया कद्दू के अच्छा जी फ्रेश है अच्छा जी ये है गाजर कैरेट सर ये बताइए ये कितने रुपए किलो है ये अस्सी रुपए किलो है आजकल अस्सी रुपए किलो जी। एक जमाने में यार ये बीस बीस रुपए किलो आती थी होती थी लेकिन अब महंगाई के हिसाब से देखे ना क्या चल रहा है अस्सी रुपए किलो काफी ज्यादा नहीं है ये

अबे तो तुम्हारे पास सारी आउट ऑफ सीजन तुम्हारे पास चीजें मौजूद हैं नहीं या आउट ऑफ सीजन भी होती हैं लेकिन सीजन भी चल रही हैं अच्छा <coughs> तो दिस इज नाइस एक्चुअली तोरी 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 के साथ क्या बना सकते हो आप गिया तोरी गोश्त डालनी इसने गो तोरी गोश्त हो सकता है तोरी आलू हो सकते हैं आई गेस क्यों नहीं हो सकते

छील के दिखाओ वेरी नाइस nice. एक में कितने दाने निकलते हैं चार है इसमें। चार दाने हैं जी एक में चार दाने हैं मटर के अच्छा और ये मटर कितने मटर एक सौ साठ रूपये किलो है एक सौ साठ रूपए जी अभी ये सस्ता हो रहा है चार सौ से, से नीचे है मटर मटर पहले चार सौ रुपए किलो था जी जब गर्मी होती है ना ये स्वाद के आते हैं ठंडे हाँ हा। इलाकों में से हाँ हा। लेकिन अभी ये पंजाब के शुरू होने वाले हैं इन्होंने मजीद सत्तर अस्सी रुपए किलो तक आना इन्होंने सत्तर लेकिन चार चार सौ रुपये तक भी चले जाते हैं चले जाते हैं अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं इसको अगर आप हल्के से बिल्कुल हल्के से बारीक से ऑलिव ऑयल के अंदर बहुत सारे मटर लेके उसको इस तरह से करें ना सौते करें तो रियली 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 गुड उसके बाद उसमें नमक स्प्रिंकल करें और खाएं बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है तुमने कभी खाएं इसे नहीं ऐसे नहीं खाए होंगे ओके ओ इसके अंदर हाँ इसके अंदर बिचार ही हैं दिस इज नाइस एक्चुअली वेरी नाइस वेरी नाइस ओके जी तो ये मटर है और जी अब आते हैं जो मेरी बहुत फेवरेट चीज है hmm. एग प्लांट यानी बैंगन ये कितने रुपए किलो है ये सौ रुपए किलो है अच्छा बैगन का अगर किसी ने रायता नहीं बनाया ना या रायता नहीं खाया तो फिर आपने कुछ भी नहीं खाया इट इज रियली गुड इट इज रियली गुड बैंगन का रायता बहुत अच्छा होता है और बैगन का भरता जो होता है वो बहुत अच्छा होता है वो आप खाते बनाते कभी खुद बनाते हो सब्जियाँ नहीं नहीं मैंने कभी नहीं कभी नहीं बनाई बेगम बेगम बनाती है पहले माँ है बेगम के हाथ की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी होती है सब्जियों में बताओ सब्जियों में हाँ आलू मटर गाजरे आलू मटर कद्दू श्रीफर गोशर डाली उसने आलू शिमला जी, आलू जी, जी मैंने ये मैंने कभी नहीं खाया आलू शिमला आलू शिमला खाते है ना इसलिए हर आदमी कुछ ना कुछ करता है अच्छा इसके अंदर शिमला मिर्च के अंदर अगर आप भी बहुत अच्छा होता है आप इसको बेक करें फ्राई भी कर लें तो रियली गुड बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छा होता है तो बेगम ये बनाती है आपको अच्छा लगता है तो कभी बेगम की किचन में जाके आलू बैंगन वाली बिरयानी की भी खाई है आपने आलू बैंगन की बिरयानी अब मैं जो बातें करूंगा ना फिर तो <laughs> <laughs> हम दोनों आलू बैंगन की बिरयानी नहीं आलू बैंगन की बिरयानी नहीं खाए आलू बैंगन की बिरयानी कौन सी होती है बताओ हो? आलू बैंगन और साथ में चावल बना ले है लेकिन खाया है। आ, मैंने सादे चावल, चावल जो चावल लेकिन बैंगन बनाने का खास गुर होता है तो इट इज रियली 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 गुड महंगाई ने मुतासर किया है बहुत ज्यादा किया है

उनके लिए अगर सब्जी बनानी हो तो कितना पैसा खर्च हो जाता है एक वक्त के लिए तकरीबन तो चार पाँच सौ तो खर्च हो जाएगा चार पाँच सौ सब्जी में इसमें एक वो, वक्त के लिए इसमें गोश्त अभी शामिल नहीं, नहीं है, है। गोश्त नहीं है अभी दूसरे मिसाले अलग है जो भी ये सब अलग है ये गाजरे नहीं है आप हाँ सौ रुपए किलो ये, हैं। हाँ, लें, लें। ये है मटर ले आलू मटर गाजरें तकरीबन चार सौ बन जाएंगी तीनों चीजें एक, वक्त का जी ये ये है और अगर आपके पास छह लोग हैं तो छे लोगों के लिए ये एक वक्त का खाना होगा एक वक्त का खाना होगा इट्स डिफिकल्ट बहुत बहुत, बहुत मुश्किल है जी बहुत मुश्किल है अच्छा तो हुकूमत को कुछ कहना चाहते हो हुकूमत का क्या कहें वो खुद आपस में झगड़ा कर रहे हैं है हम क्या यही कह दो यार झगड़ा मत करें यही कह दो वही तो कह रहे हैं झगड़ा छोड़े वाहम की सोचें हाँ। के बारे में नहीं सोच रही ये लोग अच्छा तुम बिजनेस मैन हो सर सब्जी जाए वहा कुछ होता है कुछ होता है, हाँ। है ना अच्छा, जा... जाए कुछ रेट है कुछ रेट होगा जब आगे जाए तो कस्टमर परेशान होता है सवाल भी करता है तो चीजें महंगी होती है जी और जब पेट्रोल सस्ता होता है तो चीजें सस्ती होती थोड़ा फर्क पड़ता है फिर नीचे आता है थोड़ा ज्यादा पेट्रोल नीचे हो चालीस रुपए हो हाँ। अगर पांच दस भी नीचे करें फिर कुछ नहीं फर्क पड़ता फिर कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब चेंज भी नहीं होता नहीं नहीं हाँ। तो जो आपका कस्टमर है उसकी उसके लिए तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता

आई थिंक तोरी और आलू बहुत अच्छा लगेगा तोरी और आलू खाइएगा आप मैं कहूंगा अपनी बना बना के के देगी इंशाल्लाह बनाक, तुम भी बना के दे देना कभी बेगम को एक ब्रेक लेते हैं जी एकदम ब्रेक के बाद ओके okay. अस्सलाम वालेकुम जी वंस अगेन वेलकम बैक और आज का जो शो है वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का सबसे जो ओल्डेस्ट प्रॉब्लम है इज वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट प्रॉब्लम उसके बारे में आज हम डिबेट करेंगे बात करेंगे क्या कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा आई डोंट थिंक सो लेकिन कम से कम बात करके कुछ चीज़ें क्लियर जरूर हो जाएंगी आज हम बात कर रहे हैं सास और बहू के रिश्ते की आज हमारे साथ जो पैनल में मेहमान होंगे ताहरा मलिक साहब हमारे साथ होंगी अल्लाम साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हेयर ऑन द शो सासों की नुमाइंदगी करेंगी जरीना इसलिए मैम बहुत बहुत जी बहुत शुक्रिया फॉर बींगेर ऑन द शो और बहुओं की नुमाइंदगी आयशा साकिब साहिबा सलामकुम जी कैसे आप ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा आप दोनों रिलेटेड नहीं हैं नहीं जी हाँ तो पहले ये बता दूंगा कि ये रिलेटेड नहीं है इसलिए जो भी बात की जाएगी वो खुल के होगी इससे पहले कि आप लोगों से बात शुरू की जाए हम आवाम में गए और आवाम से पूछा कि अवाम क्या सोचते हैं हम आपको पहले वो दिखाते हैं फिर बात शुरू करते हैं दिखाइए दी तो आती है अगर सास अच्छी होगी ना उसको अच्छा माहौल देगी तो बहू खुद अच्छी अच्छी हो जाएगी बहुत बहुत बहु है हमारी सास को भी चाहिए कि जब बहू आप ब्याह के लाता के लाते है तो वो आपकी बेटी होती है वो तो बिल्कुल छोटी एज की होती है उसको आपने एक कम्फर्टेबल खुद माहौल देना होता है बेटे का बहुत अहम रोल होता है अगर वो मदर को सपोर्ट नहीं करेगा तो जाहिर है उनके लिए प्रॉब्लम होगी बीवी को सपोर्ट नहीं करेगा तो यानी कि दोनों में हसबेंड ही पिसता है वो नई लड़की तो ब्याह के ले आती है लेकिन अपने बेटे को डिवाइड करना उसे बहुत मुश्किल लगता है बेटे को अगर प्यार करती है ना माँ तो बहू को भी प्यार करना चाहिए अगर समझो तो बेटी जो है बहू भी बेटी है तो ना समझो तो फिर ना सही बेसिक उसके पीछे बेटा है बेटा खराब होता है अगर बेटा ठीक हो सास बहू की लड़ाई कभी भी नहीं हो सकती वो सास पे सारी होती है सास अच्छी होगी हो तो वो भी बेटियाँ बन जाएंगी बहू भी जौन से होती है वो भी बेटियाँ बन जाती है सास भी एक सहेली बन जाए ना तो बहू और सास दोनों सहेली बन सकती है इसमें कोई इशू नहीं है तो अगर दोनों कोऑपरेटिव होंगी तो अच्छा रहेगा घर का माहौल तो इसलिए चाहिए कि दोनों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए और आपस में अच्छी तरह रहना चाहिए बेटियों जैसा श्लोक रखती हैं अच्छा जी इनमें से एक ने कहा कि बेटे का कसूर है दो ने कहा खैर मैं जो सोचता हूं उसे जाने दीजिए लेकिन आ, इसी मौजू पे बेशुमार फिल्में बनी बेशुमार ड्रामे बने कुछ ड्रामे हमारे थे कुछ फिल्में हमारी थीं कुछ ड्रामे वेस्ट के अंदर बने तो ये मसला सास और बहू का आ, मसला तो नहीं कहना चाहिए ये जो एक एक, एक टिपिकल सो एक एक वॉर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है कि कोट इन कोट गलत कहा जाता है कि जी पता नहीं ये रिश्ता है तो अच्छा नहीं होगा बहुत कम मिसालें ऐसी मिलती हैं जहां सास और बहू एक ही पेज पे हों तो उसके अंदर बेशुमार आ, आ, फिल्में उस इस मौजू बन चुकी हैं आपको कुछ टाइटल्स में दिखाना चाहता हूं दिखाइए जरा वो टाइटल्स दिखाइए निकालते है? नहीं निकाला दिस दिस वॉज इन केलर इन लॉ अगेन यू कैन इमेजिन किस को कहा गया है मर्डर इन लॉ अगेन आप समझ सकते हैं कि किसको कहा गया है देन मॉन्स्टर इन लॉ समझ सकते हैं कि किसको अच्छा ये सब हैप्पी एंडिंग्स हैं में तो बहुत अच्छी है अच्छा हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ड्रामे भी बेशुमार इस पे बने हैं जरा वो भी दिखा दीजिएगा वो भी दिखा दीजिए ना ताकि पता चले कैन वी सी इट राइट मुझे समझ में नहीं आया एंड आई थिंक कुछ और भी और हिंदुस्तान मेरे हम सफर ये भी मेरे हम सफर ये भी सास का था आई नो आइडिया बिकॉज मैं बिल्कुल इसमें कोरा हूँ और हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर प्ले था क्योंकि सास भी दैट तो लेट्स विद यू मैम आप सास हैं मुझे बताइए कि ये सही कहा जाता है ये जो कुछ होता है क्या आप उससे एग्री करती हैं कि बेटे का कसूर होता है देखें जी बेटा जब पैदा होता है माँ उसको पालती है वो उसको एक अपनी प्रॉपर्टी समझती है उसको ओन करती है जब वो बेटे की शादी करती है तो उसको बेटे को शेयर करना मुश्किल होता है जाहिर है लड़की की शादी होगी टाइम डिवाइड होगा फाइनेंस डिवाइड होंगे सब कुछ होगा तो उसमें फिर तो, माँ को बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है और खुले माइंड के साथ आने वाली बच्ची को स्पेस दे जो कि वो नहीं दे पाती नहीं usually. दे पाती हाँ। और उसको बच्ची को एडजस्ट होने में टाइम लगता है एक बच्ची स्टूडेंट होती है या तालीम खत्म करती है तो शादी हो जाती और है और अब शायद यही वजह है कि बच्चे जो हैं बच्चियां है, जब आती हैं तो वो कहती हैं हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना रहना ही नहीं नहीं रहना है आजकल आज ये ट्रेंड बहुत हो गया नहीं है? उसका रीजन है ना बिकॉज उन्होंने जो देखा है वो ये देखा है कि कोप ही नहीं कर सकते मतलब उन्होंने जो बात की कि बेटे का कसूर होता है मेरे ख्याल में बेटे का तो नाइनटी तो बेटे का कसूर नहीं होता नहीं वो तो सफर है बेचारा हाँ बेसिकली तो उस बेचारे को यही नहीं पता होता कि कहा आप क्या कहती है तो मैंने तो जी ये है कि मेरे घर में तमाम बच्चियाँ बेटियाँ भी बहुएँ भी सब जॉब करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं बड़ी सपोर्टिव मदर भी रही हूँ बच्चियाँ डॉक्टर बनी एमबीबीएस में थी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया शादी कर दी माशाल्लाह बेबीज़ हुए उनके बच्चे संभाले उनको टाइम दिया आगे पढ़ने का हॉस्पिटल हाँ। जाने इसी तरह मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को किया माशा और उसके जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मैं बच्चों को स्कूल से जब आते थे मैं बच्चों को खुद रिसीव करती थी अपनी बहू के हॉस्पिटल आने से पहले से पहले बच्चों को खाना खिला के तो वो बैठ के तो खेल रहे होते थे और अपनी बहू का खाना मैं हॉट पॉट में डाल के तो डाइनिंग टेबल पे रखा होता था और वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती थी ऑब्वियसली ज़ाहिर है करेंगी बिल्कुल करेंगी अगर वो अप्रिशिएट करती थी और फिर ये है कि इससे ना ज़रा हमारे रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं बेहतर हो जाते हैं अच्छा बहुत सारी और रीजंस होते हैं रिलेशनशिप बेहतर होने के uh, मैं लेट मी गो टू कराची मिसेस खान इज देयर अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान वालेकुम अस्सलाम सब खैरियत से है सब कुछ ठीक-ठाक है बेटा अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक अच्छा मुझे ये बताइए ये सास और बहू का झगड़ा सदियों पुराना है क्यों है खत्म क्यों नहीं होता ये नहीं अब ऐसा झगड़ा नहीं हो रहा अलग घर ले लिया जाए अलग हुआ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफरेंस ही नहीं है तो उसमें झगड़े वाकई कम हो रहे नहीं झगड़े देखें अब मदर इन लॉज आर एजुकेटेड अब हम एजुकेटेड हैं अब हम चाहेंगे हमारी बहू के साथ कुछ बुरा हो अगर उसके साथ कुछ बुरा होगा तो हम हर्ट होंगे hmm. उनके बच्चों के साथ कुछ बुरा होगा हम हर्ट होंगे हम अपने बच्चे को सिखाएंगे कि उसके साथ ज्यादती करो तो वो बिल्कुल नामुनासिब चीज है हम हर्ट होंगे वो खुश होगी तो वो हमारा प्राइड है वो हमारे घर की इज्जत है हमें लोग कहेंगे देखो उस घर को उस घर में बहू रहती है और सास और बहू में कितना अच्छा ताल्लुक है रिलेशनशिप कितना अच्छा है दे आर सो स्वीट टू इच अदर दे आर लाइक फ्रेंड्स फ्रेंड्स वी शुड बी लाइक मिसेस खान मिसेस खान ये किसी हद तक We तो should... बात सही है लेकिन बाय लाज भी ये सिचुएशन नहीं आई है आई एम रियली सॉरी आई डोंट एग्री विद दिस आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी हद तक तो ये चीजें बेहतर हुई हैं लेकिन बाय लार्ज ये सिचुएशन आज भी नहीं है और बाय लार्ज तो ये कहीं भी नहीं हो सकती आप यूएस की स्टडीज उठा के देख लें मैं आपको आर्टिकल्स दिखा देता हूं आज 2023 के अंदर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं एक हम ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद बात करते हैं हमें पहले सच बोलना पड़ेगा करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है तो हम प्रॉब्लम को सही कर पाएंगे अगर हमने उसको शुगर कोट करके रखा तो हम कभी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएंगे यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रेक लेते हैं जी एंड वेलकम बैक अब आपकी तरफ मैं आता हूँ मुझे बताइए आपकी क्या राय है इस सिलसिले में मैं ये कहती हूँ कि दोनों लोगों को कोऑपरेटिव होना चाहिए ठीक है ये जरूर है कि वो अगर बीवी की साइड लेगा तो माँ नाराज़ हो जाएगी माँ की साइड लेती साइड लेता है तो बीवी नाराज हो जाती हाँ, है हाँ। बैलेंस रखना चाहिए और यही बैलेंस थोड़ा मुश्किल हो आपकी जाता है जिंदगी में बैलेंस होता है मेरी जिंदगी में जी अभी में? तक तो अल्लाह का शुक्र है बैलेंस चल रहा है तीन साल हो तीन साल हो गए साल गए हाँ जी okay. अभी तक शुक्र है बैलेंस चल रहा है सास बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले में okay. कि अभी तक तो अच्छे से सपोर्ट करती है और हमारा ज्वाइंट सिस्टम है और हम तीन देवरानी जेठानी इकट्ठे रहते हैं तो कभी तो ऐसे, हाँ। तो ऐसे करके चलना है। है। तो वो थोड़ा पहले में काफी मुश्किल लगा क्योंकि मुझे उनकी समझ नहीं थी कि वो कैसी है और उनको मेरी नहीं थी लेकिन ऐसा ऐसा अब थोड़ा हमें एक दूसरे के बारे में जब जानना शुरू हुए हैं तो फिर थोड़ा बैलेंस होगा लेकिन वो फैक्टर फिर भी कहीं आ जाता है कि मेरी बेटी ऐसी थी और बहु ऐसे वो आ आ जाता है आ जाता है है लेकिन बहुत कम है अभी इतना ज्यादा नहीं शायद अभी टाइम भी इतना ज्यादा नहीं गुजरा कि वो करे और मेरा ज्यादा टाइम भी लाहौर में गुजर गया शादी मेरी सरगोदा हुई हुई है okay. तो ज्यादा टाइम मेरा लाहौर में गुजर गया लेकिन जो कम टाइम गुजरा वो कहीं ना कहीं नहीं, आ तो जाता नहीं, तो आप है। आप, आप, उनसे अलग रहती हैं? नहीं मैं अपनी अम्मी के घर लाहौर ज्यादा टाइम रही हूँ बेबी की वजह से अच्छा ओके तो उनकी बेबी की डिलीवरी के बाद मैं फिर सरगोदा समझे रहना शुरू एक ही नंद है तो बस अब हम देवरानी जेठानी और सास के घर पर होती हैं okay. तो वो कहीं ना कहीं आ जाता है अच्छा हमारी बेटी है ना तो वो तो ऐसे करती है और आप अगर ऐसे कर देती है तो ज्यादा अच्छा हो जाता नहीं पाऊंगा लेकिन बहरहाल क्या आप क्या कहती हैं क्या 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 आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस होते हैं लड़ाइयों के? सबसे पहले जब मैंने सुना कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है और कोई लड़ाई नहीं है हुँ. तो आई शॉक्ड। इवन मैं रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ और पहले दो साल जो है ना वो लड़ाई झगड़ों के लिए रख दे उसमें टाइम लगेगा और मैं हुँ. हमेशा सबको कहती हूँ कि दो साल लगते हैं एडजस्टमेंट इशूज दो साल हैं। दो साल तो आप समझें कि वो एक आपका है एक टफ टाइम है दो साल के बाद जब चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं अब प्रॉब्लम क्यों होते हैं हम सोचते ज़रूर हैं कि भई बहू के लिए जो है ना ससुराल बड़ा आइडियल सा घर होना चाहिए ऐसा मुमकिन नहीं है मुमकिन करने के लिए अभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबा अरसा दरकार है अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं जब एक लड़की बाहर से आती है और सास ने खुद से पसंद किया होता है बड़े चावों से खुशियों से लेकर आती है लेकिन जैसे ही वो फीमेल आपके घर आई और अब उस सास को जो है वो टाइम डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है कि मेरा बेटा जहाँ पे ऑफिस से आके मेरे साथ बैठता था अब एक और आ गया है यहाँ रुकिएगा बड़ी दिलचस्प बात है यहीं से शुरू करेंगे लेकिन एक टेलीफोन कॉल है मैं आपको बताऊँगा ये वेस्ट में भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है वेस्ट ने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं इस पर मैं आपसे एक आर्टिकल भी शेयर करूँगा उन्हें तरीके बताएं कि आपको किस तरह से इस

तो उसको वो पहले साथ को वो खुद प्रोवाइड करना चाहिए आप अपनी बहू को खुद से कि आप चाहती हैं कि उसके बाद जल्दी उठे रास्ता तैयार करते हैं या वक्त पे सारी चीज़ें तैयार हों अगर आप उनसे चाहते हैं तो आपको कुछ पहले करके दिखाना होगा ये नहीं कि आप खुद तो ऐसे नहीं है लेकिन आप अपने से एक्सपेक्ट करो कि वो आपको ये सब काम करके दिखाए और ये थी हैं, हमारे हैं, में नाम भूल गई कि दो में से दो साल 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 थोड़ा कम है, <laughs> no, है चलिए रबाब बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग एंड योर एक्सपीरियंस एंड योर विजडम बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत नवाजी तो प्रॉब्लम यहाँ से पहला स्टेप जो है ना यहाँ से स्टार्ट होता है जब एक बाहर से एक लड़की आई है जो कि आपके बेटे की वाइफ है वो बाहर की लड़की नहीं है पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें कि आप लेकर आए हैं उसके बाद जो है जब टाइम शेयरिंग प्रॉब्लम आते हैं वहां पे प्रॉब्लम होता है फिर आपके आपके घर में उसे क्या पता है कि किचन में कि जा हाँ, है। है? मतलब तो जाहिर सी बात है ये बेसिक चीजें है की मेरा बेटा पहले मेरे पास आके बैठता था अब तुम्हारे पास आके बैठ रहा है और अब किचन की तरफ आ जाए तो किचन में हम ऑयल ऐसे रखते हैं बॉटल ऐसे रखते हैं उसे क्या पता है कि आप कैसे रखते हो आपको पहले उसे करके दिखाना है आप उसे पहले थोड़ा टाइम दें जो कि आइडियल ये होता है जैसे पहले पहले जमाने में ये होता था एक वन मंथ दे दिया जाता था साल में कि चीज़ें ऑब्जर्व करो जिसको कहते हैं कभी वन मंथ के बाद मीठा बनवाया जाता है वो आपका आइडियल टाइम है आप देख लें घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दूसरी बात आ जाती है कि भाई बेटे के साथ क्यों किया जा रहा है मुझे ऐसे लगता है कि ये कंपटीशन की बात है कंपटीशन हाँ आप मुझे एक भी लगता है को पसंद नहीं कर रही ये, ये है चीज़। और यहाँ पे बेटे की एक छोटी सी गलती है जो मैं हमेशा है? मेरे क्लिनिक में आया हुए मर्दों को कहती हूँ मुझे पता है कि आप यहां पे सफर करने करते हैं और आपके साथ हो रहा है और वो दो लोग कर रहे हैं जो आपसे बेनतहा प्यार करना क्लेम करते हैं एक तरफ आपकी बीवी कहती है मैं प्यार करती हूँ एक तरफ आपकी माँ कहती है मैं प्यार करती हूँ लेकिन दोनों ही आपको जो है ना सफर करवा रही है बेटे की गलती ये होती है कि उसको पहले पता एक एक्सट्रीम टाइम जो है मैं माँ को दे रहा था

तो वो समझती है कि मेरे मेरी बहू आई थी तो मेरे बेटे को कब्जे में ले ली और तो बहू ये समझती है कि मैं किस तरह इसको कब्जे में लूँ लेकिन पाव, पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमारी हुकूमत में ना हमारे मेरे फादर कहते थे ना हमारे घरों में जो लड़ाई आपकी किचन की शुरू होती है वो जाके कहीं कोर्टों तक पहुंच जाती है तो बेहतर तरीका जैसे मैं अपनी एक मानदू की तो माँ थी मेरी मधु माँ बड़ी संख्या में खातून थी जब मेरी शादी हुई तो वो मेरे साथ हमेशा पहले आगे बैठी जाती लेकिन जब मेरी शादी की तो मेरी बीवी का ऑफिस थी ना ही उसी फ्रेंड थी उन्होंने कहा तुम आगे बैठो लेकिन मेरी मेरी जो बीवी ने कहा नहीं आ, 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 आप जो है ना आगे बैठे कोई मसला नहीं मैं पीछे बैठता हूँ तो ये एक जो है ना ये आपको एक स्पेस देने की बात है स्पेस देना बहुत जरूरी कोई भी लड़की आती है किसी नए माहौल से आती है किसी नए माहौल में एंटर होती है सॉरी तो उसको जगह देना जरूरी है और लड़की को भी ये समझना चाहिए शायद की वो एक दिन में लड़के को लेके छू अंतर ना हो जाए कुछ टाइम दे कुछ देखे कुछ समझे तो सबर और इसके अंदर आपको एक दूसरी एक्सेप्टेंस हुई है मेरा सवाल जो है ना वो ये है कि हमारे पर कन्वेंशनल चीजें होती हैं हम लोग मासाज को एक एक हमने एक वो बना रखा है एक जैसे ससुराल और माहौल जैसे ना एक, एक राइवल्स बनाए हुए इस दूरी को कम करने के लिए एक लड़का है जो जो दोनों को बैलेंस करके लेना चाह करना चाह रहा है वो कैसे कुपक कर सकता ये मेरे सवाल, सवाल मैं, है मैं, मैं, मैं खत्म नहीं होगी मैं आपको बता रहा हूँ मुझे, मुझे नहीं लगता होगी बेहतर हो जाएगा शायद और चीजें बहुत बेहतर हो जाए अभी तो आप इस बात की फिक्र करें कि आज से पचास साल बाद खुदा ना करे खुदा ना करे शादी कंस्टिट्यूशन रहेगा भी या नहीं रहेगा अभी तो ये फिक्र है अभी तो ये तो फैमिली तो बहुत दूर की बात हो गई है इस वक्त जो जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं जो बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं जो ए की चेंजेस आ रही हैं उसमें पचास साल के बाद शादी का इंस्टीट्यूशन क्या रहेगा या नहीं रहेगा दुनिया किस रंग में हो जाएगी हसन निसार साहब को कल मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि पचास साल के बाद ये माशरा हमारा पहचाना नहीं जाएगा और ये बात वो तो खैर किसी और हवाले से कह रहे थे लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है मिसज खान या का सवाल एक बच्चा जो एक बेटा जो है बेटा जो है वो किस तरह से बैलेंस कायम रख सकता है देखें पहले मुझे एक बात ये बताएं क्या बच्चे क्वालिटी टाइम बेटे माँ को देते हैं शादी से पहले भी देते हैं वो ऑफिस से आए या स्कूल से आए तो अपने ट्यूशन्स की तैयारी खाना खाएं अम्मी खाना दे दें अम्मी के पास बैठे थोड़ी देर फिर ट्यूशन का टाइम हो गया फिर मॉल भी आ गया फिर उनका क्रिकेट का टाइम खेलने का टाइम टीवी का टाइम क्वालिटी टाइम तो बच्चे माँ बाप को आप दे ही नहीं सकते तो आप क्या कहते हैं हाई टाइम ले लिया हाई टाइम ले लिया ना माओ के पास इतना टाइम है कि वो बच्चे बेटे को बिठा के सारे दिन की रूदात सुनाएं या कुछ भी करें दिस इज ऑल बुलशेट दिस इज़ ऑल रॉन्ग आई डोंट बिलीव इन दिस हाँ थोड़ा टाइम दे क्वालिटी टाइम कोई बच्चा नहीं दे रहा उसके पास इतना टाइम नहीं है आजकल बच्चे भी बड़े इन्वॉल्व खान भी अपनी एंटरटेनमेंट मिसेस खान ये तो कह ही नहीं, नहीं रहे या, ने तो मिसेस खान ये तो कहा ही नहीं हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे बैलेंस कायम रखा जा सकता है देखिये बैलेंस अब आपकी बीवी आ गई माँ को भी ये पता होना चाहिए मेरे पास बैठा है चाय वाय पी है खाया पिया है बीवी भी साथ बैठी हुई है अब वो कपड़े बदलेगा सारा कुछ करेगा बीवी उसको देगी कमरे में चार बातें करेंगे थोड़ी देर बाद वो आउटिंग के लिए जाएंगे आउटिंग के लिए जाएंगे भी तो क्या करेगा लड़का उसको डब कर देगा अम्मी के घर जाएगा सलाम दुआ करेगा दस मिनट बैठेगा फिर उसकी एक्टिविटीज है जिम जाना है क्रिकेट खेलना है दो चार दोस्तों उसको भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए क्या भी भी के क्या बीवी और वो घूमता रहे हमें इतना पता नहीं है सारा दिन का का सुबह रात ये रही हूँ कि दोनों को टाइम भी दे ठीक है और दोनों की बात भी सुने ठीक है और अगर आउटिंग पे जाना है तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है अगर आपकी सास भी साथ चली जाएगी तो वो कोई आपको खा नहीं जाएगी या आउटिंग पे आपने ऐसा बाहर खाना खा लेंगे अगर सब मिलकर खाना खा लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है सिर्फ थोड़ा अपना माइंड बनाने की जरूरत है okay. आप उनको रिस्पेक्ट दें वो आपको रिस्पेक्ट देंगी तो इससे मेरे ख्याल से जो मेल मेंबर है ना वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और दोनों रिश्ते जो है वो बैलेंस हो जाएंगे लेकिन बास बच्चिया ये पसंद नहीं करती हैं बच्चियों को अब समझना चाहिए वो नहीं वो ठीक कह है रही हैं वो हाँ, ठीक कह है रही हैं नहीं पसंद करती हैं कि सास हमारे साथ वो यहाँ पे अब एक जो नया ट्रेंड है ना आ, वो प्राइवेसी का कि जी साथ साथ चल पड़ी हैं तो ये तो प्राइवेसी का मामला हो गया ना जी हमारी प्राइवेसी में उन्होंने दखल की है हुँ, हुँ। तो इसमें बैलेंस ये इसमें बैलेंस रखना काफ़ी मुश्किल है लड़का सफर होता है इसमें और ए, जब तक इसमें मेरा ख्याल है कि माँ का रोल ज़्यादा है okay. माँ का रोल मुझे इसलिए ज़्यादा रखता है कि माँ का नाम मतलब है सेक्रीफाइस और इस रिश्ते में भी जब तक माँ सेक्रीफाइस नहीं करेगी अपने जज्बात को लेकिन वो माँ वो माँ वो, मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो माँ तो गुजर के आई है ना वो वही चीज रिपीट, रिपीट क्यों कर रही है जो उसके साथ हुई है बस है बस वो यही है ना मतलब के? आपको तो लर्न करना चाहिए जो चीजें मैंने देखी हैं मतलब मैं अपनी बात करता हूं मैं अगर अपने भांजे से भतीजे से अपनी बेटी से मैं बात करूंगा तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ रिपीट हो तो मैंने उन चीजों से लर्न किया है लेकिन ह्यूमन नेचर है कि वो ना आ, आ, अपना बस वो अपनी महरूमियों का किसी महरूमियों का वो निकालती हैं बदला निकालती अनोइंगली निकालती है जाहिर है नोइंगली तो नहीं होता अनोइंगली होता है सब के अंदर होता है और लड़ाई के बहुत सारे अ, एक यही नहीं है जैसे मैं, के मैं कि एक, मैंने आपको टेलीफोन कॉल ले लूं फिर इसके बाद बात करते हैं सलाम वालेकुम जी हेलो सलाम वालेकुम हेलो सलाम वालेकुम सामिकुम साम साम आपका नाम मिसेज आमिर बात कर रही हूँ लाहौर से मिसेज आमिर कैसी हैं आप अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दरअसल ये टॉपिक जो आप आज डिस्कस कर रहे हैं ये समझ मेरा <laughs> मुझे आपने बहुत पीछे भेज दिया अपने माजी में मैं बहुत एक मेन पॉइंट पे यहाँ बात करूँगी मेरे माशाल्लाह एक बेटा और तीन बेटियाँ तीन बेटियाँ बड़ी और बेटा छोटा है मैंने जो अपनी ज़िंदगी से सीखा है या अपनी शादी के बाद पूरी लाइफ में मैं इन्हीं चीज़ों से गुजरती लेकिन एक माँ होने के नाते मैं सिर्फ एक बात सब माँओं को कहूँगी कि अपने बेटे को किसी ऐसी आजमाइश में मत डालें जिससे वो निकलने के लिए सोचता ही रह जाए सारी उम्र कि मैं किसकी तरफ जाऊं ये यकीन करें आप एक माँ ही करेगी लड़की को आप वो क्योंकि उसने बाद में माँ बनना है उसकी की जो है वो सारी जिम्मेदारी है लेकिन आपको अपने बेटे के लिए सब कुछ करना है आप उसको प्लीज किसी आजमाइश में मत डालें पहले सोचे कि माँ की तरफ जाऊँ बीवी की तरफ वो बहुत थक जाएगा और ये आपको पता है ये जो तलाक के रेशो है वो सबसे ज्यादा इसी वजह से हो रहे हैं कि बेटा जो है वो एक जहनी मरीज बन जाता है इस मामले में कि मैं आप क्या करूँ इसलिए मैं आपको सिर्फ अपना एक सोच जो है ना वो कन्वे करूंगी कि मैंने क्या सोचा है इन फ्यूचर कि अपने बेटे को मेरा एक ही है ना इसको मैंने अलग कर देना ठीक है शादी के फौरन बाद एक तो सबसे पहले बिल्कुल एक दहेज किया यानी कि इस चीज का तो बिल्कुल ही यानी कि ये कहूँगी कि पहले आप अपने पूरा ठीक है सब कुछ तैयार करें उसके ड्रेस से लेके सुई गाड़ी हर चीज आपने खुद करनी है उसके लिए उसके बाद एक अलग घर में उनको रखना यानी कि मेरा अपना माइंड है कि एक दिन भी मैं शायद उनके साथ नहीं रहूंगी मेरा ये होगा कि मेरी बहू मुझे अगर हंस के सलाम भी कर लेगी ना वो मेरे लिए सजदा होगा यार ये मुझे ये रिस्पेक्ट दे रही है मेरे लिए यही बहुत है। और उसके बाद मैं चाहूंगी ये मेरे बेटे को मोहब्बत दे प्यार दे रिस्पेक्ट मेरा सारा उसको देख के यानी कि मैं जी लूंगी थैंक यू मिसेस आमिर बहुत तीन बेटियां हैं मैं उनको भी इसके किसी मामले में मैं अभी से उनको तैयार किया हुआ बेटे को भी अभी वो नाइन्थ में टेंथ में है लेकिन उसको मेंटली तैयार कर चुकी हूँ अपनी बीवी के लिए और ये तीन बेटियों को मैंने कोई खाने पकाने या इन चीजों पे नहीं लगाया जितना बेटे को लगाया है सबके गोल लोग भी बेटा पकाता हैं मेरे साथ मुझे बचपन धुलवाना या कपड़े धुलाना मैंने उसको तो सोचा तो क्योंकि तो ये तो सुनत तो सबसे पहले उसके बाद आपकी टोटल बहुत, बहुत 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 शुक्रिया मिसेज आमिर सॉरी मुझे ब्रेक पे जाना है लेकिन आपकी कॉल के मुझे बहुत अच्छा लगा लू उससे आपने कॉल किया बहुत दिल से आपने कॉल किया और एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद इस पर हम फिर मजीद बात करते हैं All right, G. Once again, welcome back, and let's talk about Spark smartphones. Unnani, Aapna Neo 11 jo launch Spark smartphone is thrilled to announce the official availability of its much-anticipated flagship smartphone, the Neo 11. Uh, with commitment to in uh, innovation, functionality, and style, the new LML embodies the essence of. क्राफ्टेड एलिगेंस एंड ए सेट टू रीडिफाइन द स्मार्टफोन एक्सपीरियंस तो अगर आपने लेना है तो आपने न्यू इलेवन जो है वो लेना है really, really uh, पिक्सल का इसका कैमरा है जस्ट ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल टू कैरी सिक्स पॉइंट फाइव टू इंच की इसकी स्क्रीन है एंड इट्स रियली 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 नाइस लुक एट न्यू इलेवन वंस अगेन एक बार और जरा न्यू इलेवन को दिखा दें बिकॉज आई थिंक इट्स इज वन ऑफ द बेस्ट फोन अवेलेबल आट देयर या वेरी नाइस डिजाइन ब्यूटिफुल आइएगा थैंक यू जी हाँ ले आइए ले आइए ले आइए ले आइए मुझे दे दीजिए थैंक यू जी ऑलराइट right, जी कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें नंबर वन है ऑलवेज रिमेन पोलाइट अच्छा ये दोनों तरफ है दोनों तरफ है मदर लॉज के लिए भी है डॉटर लॉज के लिए भी है तो हमेशा बहुत रसान से बात करें ठीक है <coughs> डोंट फर्गेट योर मैनर्स अच्छा मैनर्स जो हैं वो बड़ी चीजें बताते हैं कि आप क्या हैं खुद क्या हैं प्लीज मैनर्स के बारे में ये मत समझिएगा एक बकवास सा जुमला मैंने हमारी पूरी सुनता चलाया हूँ कि इससे आपके माँ बाप का आपके कल्चर का आपके घर का पता चलता है जी नहीं बिल्कुल नहीं पता चलता इससे आपका पता चलता है आपने क्या अडॉप्ट किया माँ बाप तो हमेशा अच्छा ही सिखाते हैं और दूसरी बात ये माँ बाप के साथ आप टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं बाकी टाइम तो आप पूरी इन्वामेंट के अंदर वो कर रहे हैं ना अभी जो हमने एक नया कल्चर शुरू कर दिया है कि कोई भी फेक न्यूज़ बना देते हैं किसी की भी इज्जत जो है वो उतार देते हैं तो क्या हमारे माँ बाप ने हमें ये कहा है तो बिल्कुल नहीं तो याद रखिएगा हमें कुछ चीज़ें अनलर्न करनी है जब तक आप वो चीज़ें अनलर्न नहीं करेंगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी स्पीक नाइसली अबाउट हर सन अब ये मदर इन लॉ के लिए मतलब ये डॉटर इन लॉ के लिए है, कि हमेशा जब भी बेटे की बात करें तो अच्छे प्यार से बात करें इसके आगे चार चीज़ें और हैं वो मैं बाद में बताऊंगा जी क्या कहना चाहती हैं आप मैं तो अभी इस बारे में कि इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती हाँ जी ओके okay. सबसे पहले बात जो है वो शेयरिंग है शेयरिंग शेयरिंग इज केयरिंग और ये दोनों को समझना है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मदर इन लॉ को सैक्रीफाइस करना है आने को को इस बात को समझना है कि मुझे जगह मुझे बनानी है और जिनके घर आ रही ये समझना है कि मुझे जगह देनी है ठीक है जब ये दोनों समझ लेंगे तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक और बड़ा मसला होता है ये मुझे बताइए ताहिरा कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता एक बहुत बड़ा मसला होता है कि औलाद नहीं हो रही तो शादी कर दो बेटा नहीं हो रहा तो दूसरी शादी कर दो इज दैट राइट ये पॉसिबल ही नहीं है औलाद रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा है रिस्पॉन्सिबल अगर बेट हाँ औलाद के सिलसिले में दोनों को नहीं, आप दोनों का पर्टिलिटी, हाँ, दोनों का, लेकिन अगर आप जो है वो ये कह रहे हैं कि बेटा नहीं हो रहा तो बेटा जो है वो बायोलॉजिकली मर्द जिम्मेदार है

तो फिर इसके लिए आप अपनी बहू को जिम्मेदार कैसे कर सकते हैं? और एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती आप खुद एक औरत है आप कैसे कह सकते हैं कि बेटियां होना है। गलत है बिल्कुल है ये कैसे पॉसिबल है वट डू यू थिंक देखें जी आ, ये तो नहीं कहना चाहिए कि बेटियां आ, अच्छी नहीं होती हैं बेटियां अच्छी होती हैं बहुत लविंग एंड केयरिंग होती हैं मेरा ख्याल है कि बॉयज से ज्यादा होती हैं hmm. बॉयज से ज्यादा होती हैं लेकिन टू कैरी जैसे कि हमारा है कि टू कैरी द फैमिली नेम ना उसके लिए हम लोग कहते हैं कि बेटा हो और ये हमारे नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में ये है शायद कि वी नीड सन टू कैरी द फैमिली नेम पता नहीं मुझे ना ना ये बात है न, समझ में नहीं आती उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ नबी हजरत मोहम्मद किसकी फैमिली कल मर जाओगे तुम कौन सी फैमिली है कल तुम जाके सो जाओगे तुमसे पहले पता नहीं कितने लोग आए तुम्हारे बाद पता नहीं कितने लोग आएंगे जो खत्म हो गए और फिर दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर में ये है कि बढ़ापे में बेटा माँ को पेरेंट्स को संभाल लेगा हालांकि अगर देखा जाए तो ये इक्वली बेटी का भी फ़र्ज बनता है और बेटे का भी मेरी बनता है। एक कंपनी है स्किन केयर की जहाँ बेशुमार बेटियाँ आती हैं और वो अपने पेरेंट्स के लिए काम कर रही होती हैं अपने घर के लिए काम कर रही होती हैं अपने भाइयों के लिए काम कर रही होती हैं

कल्चर कल्चर भी भी तो है है ये हम लोगों ने खुद कहते हैं है यहाँ हम... पे देखे बेटे की जिम्मेदारी है हाँ सीधा डायरेक्ट टिकट अच्छा उसको किसी ने कान में आके कहा जन्नत ये बताओ <laughs> और आपस में बैठ के बातें और क्या दिन मिला अबे भाई वो गलत वो जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया था फिर भाग रहा था तो मर गया लेकिन यहाँ पे एक बात है कि बेटे की जिम्मेदारी है माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बनेगा मुझे बताएं कौन से बेटे बुढ़ापे का सहारा बनते वो जो बहू आई होती है वो, वो केयर कर रही होती है असल बेटी आपकी वो, वो है बेटा तो कमाने चला जाता है जो घर में बैठी बहू है नहीं, नहीं ये आप लोग गलत बात नहीं, करते हैं ये देखें देखे है, बहू ही संभालती नहीं वो ठीक है।, है वो ठीक है वो बहू का अपना हिस्सा है बेटा कमाएगा नहीं तो होगा क्या लेकिन प्यार नहीं नहीं देखिए देखिए देखे नहीं नहीं हम गलत बात करते हैं जी ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप फादर को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं तुम किसी काम के लिए सारी जिंदगी बेचारा काम कर रहा होता है उसने बेड़ा गर्क कर दिया होता है अपना कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता मैं ये बात हरगिज नहीं कह रही हूँ बहू समझा ये क्या आपको संभालने वाली वो ही फीमेल है आप उसे स्टार्टिंग में ही प्यार करना शुरू करेंगे अब ना अब एक मिनट है आपके पास आपने अपनी सास की एक मिनट अपने सास के लिए कुछ बोलना है ठीक है जी

अभी ऐसा नहीं नहीं आप जो कहना चाहती हैं वो कहिए है, बिल्कुल बुराई नहीं, नहीं बिल्कुल बुराई नहीं, नहीं।, बिल्कुल नहीं।, नहीं। बस मैं ये कहूँगी कि ना स्पेस दिया करें आने वाली को ठीक है और थोड़ा टाइम दिया करें ये मत कहा करें कि मेरी बेटी ऐसे करती थी और आप ऐसे करते हो ये कंपेयर करना चाहे ना ये बिल्कुल छोड़ दें ठीक है और मेरा जो बेटा है ना अब तुम्हारे आने की वजह से मुझे टाइम नहीं देता ऐसा बिल्कुल नहीं होता टाइम वही होता है लेकिन अब दोनों में डिवाइड हो जाता है तो दोनों मैनेज करना सीख लें कि अगर वो बहू के पास है तो थोड़ा सास बर्दाश्त कर ले और अगर सास के पास है तो बहू थोड़ा बर्दाश्त कर ले हुँ. तो मैनेज कर ले अपने माइंड को बना ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हुँ. ये सिर्फ एक माइंड बनाने की बात है थर्टी सेकेंड अभी तीस सेकेंड बाकी है. <laughs> और बस <laughs> बड़े बहुत बड़े अच्छी है अगर दोनों अच्छी बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए हर घर की लड़ाई खत्म हो जाएगी ठीक है तो मेरे ख्याल से तो बेहतर यही है कि मैनेज करके और कॉपरेटिव होकर चलेगी तो सब अच्छा हो जाएगा आहिस्ता ऐसा होगा लेकिन हो जाएगा हो जाएगा वन मिनट मैम हाँ जी मेरी सास को ये बड़ी ऑब्जेक्शन थी कि ये पैसों पे और मेकअप पे कपड़े बहुत आ, पैसा बहुत ज़ाया करती है और इसने मेरे बेटे का कुछ बनने नहीं देना उनको इस बात पे बहुत एतराज होता था और दूसरा वो ये भी समझती थी कि इसक वही करता है जो ये कहती है ओ और इसके कहे पे चलता है जबकि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात थी बाकी वैसे वो बहुत अच्छी खातून थी कभी उन्होंने किसी चीज़ पे तंगी नहीं थी दी काम पे तंगी नहीं थी दी या फिर कि तुम ये काम करो मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी तो कभी मुझ पे बोझ नहीं डाला था कि तुम ही करोगी तो और बच्चों के बारे में खुश थी कि मैं बच्चों का ख्याल करती हूँ और उनको अच्छी तरह ड्रेसअप करती हूँ और फिर वहाँ पे भी एतराज़ आ जाता था कि दस जोड़े बच्चे के पास थे ये तुम अब ग्यारहवॉँ ख़रीद लाई हो ये इसकी क्या ज़रूरत थी <laughs> तो बस ये उन्हें ऑब्जेक्शन होता था अच्छा आपने इन सारी ऑब्जेक्शन से सीख के आपका रवैया कैसा अपनी बहुओं के साथ मैं तो उनके साथ जाती हूँ हम लोग तो ब्यूटी पार्लर भी इकट्ठे जाते हैं हम शॉपिंग करने भी इकट्ठे जाते हैं और उसके बाद जो मेरी बहुएँ हैं ना वो हस्बैंड्स कई दफ़ा बोलते हैं तुम ज़्यादा पैसा खर्च कर आई हो वो उनको दिखाएं ना दिखाएं मुझे अपनी शॉपिंग ला के जरूर <laughs> दिखाती <है। laughs> अम्मी हम ये खरीद के लाए तो मैं उनको बहुत अप्रीशिएट करती हूँ Nice. फ्लान जगह ये, ये सही मिसाल है ये बिल्कुल ठीक मिसाल है क्योंकि मैंने ये टाइम देखा था तो आपने कहा कि इनके हाँ, साथ ये ना ये ये अपना करें, और मुझे वाकई बहुत खुशी होती है जब वो शॉपिंग करके आती हैं बच्चों की चीजें लाती हैं घर की चीजें लाती हैं अपनी चीजें लाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक टेलीफोन मैं मिसेस खान की तरफ जाता हूँ मिसेस खान आप बताइए क्या टिप देना चाहेंगी आप उनको जो आपको देख रहे हैं क्या कहेंगी बहुओं को भी और सासों को भी देखें एक बात बताऊं कि मेरी जो सास थी मैंने ग्रेजुएशन के बाद शादी मेरी हो गई थी तो मेरी सास ने मुझे ग्रूम किया मेरी सास ने घरदारी मैं मुझे सिखाया मेरी सास ने मुझे अच्छा खाना पकाना सिखाया एबीसीडी तो हम जानते थे लेकिन घर में इतना नहीं पकाते थे जो कुछ बेसिक चीज़ें और जो कुछ खाना पकाना जो कुछ करना रख रखाव जो था वो मेरी ने नहीं सिखाया और मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ कि वो मैं चीज़ें आगे लेकर चल रही हूँ और मैं अपनी नस्लों को सिखा रही हूँ वह अपनी मेरी बहू तो बहुत अच्छी है उसकी माँ ने उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और उसमें कभी वैदम नहीं होता कि मेरी नंद इतने कपड़े बना रही है तो मैं इसे बढ़ के बनाऊँ तो उसमें कभी ये नहीं होता कि उसने ये डिज़ाइनर पहना है तो मैं ये डिज़ाइनर पहनू उसने ये चीज़ खरीदे नहीं शीज़ उस वो शीज कंटेंडेड उसको बहुत अल्लाह ताला ने मुतमाइन रखा हुआ है वो इतनी अच्छी लड़की उसने अपना घर बनाया देखें इतनी महंगाई में बल्कि दूसरा भी बना रही है अल्लाह का माशा माशा तो अब आप ये देखें ज्यादा मत कहेगा इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे नहीं होते हम हम एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद इनसे बात करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है बिल्कुल ठीक है एक छोटा सा ब्रेक के बाद और आई जी वंस अगेन वेलकम बैक एंड लेट्स से हेलो टू जाहिद भाई फ्रॉम मारफा जाहिद भाई क्या है आज

नो यू नो फोन मार्केट के अंदर इतने ज्यादा दस्तयाब हैं कि बहुत ज्यादा फोन आपको मिल सकते हैं लेकिन अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपकी चॉइस जो है वो मेरे ख्याल में अगर आप एक एलिगेंट क्राफ्टेड डिजाइन देख डिजाइन देखना चाहते हैं तो आपकी चॉइस जो है वो नैरो डाउन नैरो डाउन हो जाती है पचास मेगा पिक्सल के साथ सिक्स पॉइंट फाइव टू इंच की स्क्रीन है एंड इट इज़ रियली 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 अमेजिंग जो स्पार्क्स वालों का फ़ोन है न्यू uh, एलेवन ये यू नो मॉडर्न आर्ट का मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल आर्ट का एक एक शाहकार है कैसी चीज़ है जो आपके पास होना लाजमी है एंड आई कैन वॉच फॉर दिस बिकॉज जब हम अपनी क्रिकेट की ट्रांसमिशन कर रहे थे तो भी स्पार्क्स का फ़ोन वॉज जस्ट रियली अमेजिंग और न्यू एलेवन जो है वो इनका यू नो स्टेट ऑफ द आर्ट फोन है एंड इट इज़ रियली 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 ब्यूटिफुल बहुत बहुत शुक्रिया ऑल ऑफ You so very much for being here. मैं जल्दी से चीजें पढ़ देता हूँ. गेट टू नो हर यानी अपनी एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में उनसे एडवाइस जरूर लीजिए और तोहफे तहफ एक दूसरे को दें मोहब्बतें बढ़ती रहती हैं क्या हमने मसला सोल्व किया नहीं टू बिगिन विद मसला नहीं है बस चपकलिश होती है शायद यही जिंदगी की खूबसूरती भी है कहीं ना कहीं दोनों का एहसास होता है क्योंकि सास भी कभी बहुत बहुत ही और बहू ने कभी सास बनना आमशोर बनना होता है कल मिलेंगे तब तक के लिए हाफिज़